हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन केवीएल। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवीएल रूल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है और बैटरी या सेल्स गिवन हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा, केवीएल रूल ही अप्लाई करेंगे, उससे हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें करंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, लूप चूज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लूप। तो मैं एक तो लूप बना के चलता हूँ, ये वाली ए बी सी एफ ए, ठीक है, और एक ये रही सी डी ई एफ सी, दो लूप चूज करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, करंट बता देते हैं कि किस रेजिस्टेंस से कितना करंट हो रहा है। तो मान, क्योंकि मैंने बताया स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, दो सेल है, एक 4 वोल्ट का, एक 2 वोल्ट का है। तो जो बड़ा वोल्ट का है उससे करंट निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ से करंट कितना फ्लो किया, यहाँ से करंट फ्लो किया आई, कितना करंट यहाँ से निकला आई। अब यहाँ से करंट फ्लो किया तो यहाँ पे करंट आते ही, करंट को दो पाथ है, दिस वन एंड दिस वन। तो मान लेते हैं इसमें कितना करंट फ्लो कर गया, आई वन, ठीक है। पीछे से करंट कितना गया स्टूडेंट्स, आई। तो यहाँ पे करंट कितना चला गया, आई। तो इधर कितना चला गया, आई माइनस आई वन करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, आई माइनस आई वन। इधर से कितना आ गया, इधर से आ गया आई वन। तो यहाँ पे नेट कितना फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा आई माइनस आई वन प्लस आई वन। तो ओवरऑल कितना करंट आ रहा है, ये आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट यहाँ से एंटर, यहाँ से देखो निकल कितना रहा था, आई करंट जा रहा था, और एंटर भी कितना कर रहा है यहाँ पे आई, ठीक है। तो इस तरह से आपको करंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आपने करके दिखाए। तो ये करंट आपका, दिस इज करंट आई। ओके, तो इस तरह अब देखिए हम लूप बढ़ा देते हैं। मैंने बताया था जो डायरेक्शन करंट किया उसी अकॉर्डिंग लूप बढ़ाइए आप। देखिए इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं मान लीजिए ये करंट, ये लूप चूज कर लेता हूँ ऐसे। और इसमें देखिए इसमें करंट ऐसे आ रहा है, बट इधर से करंट अपोजिट जा रहा है, इस लूप को चूज करते हैं। तो मान आप मर्जी आप, मैं कहता हूँ मैं ऐसे लूप चूज कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से दो लूप बढ़ गई ना, दिस इज लूप नंबर वन, दिस इज लूप नंबर टू। ओके, तो लगाते हैं हम केवीएल रूल। लेट्स से केवीएल रूल अप्लाई करते हैं लूप नंबर वन पे, इस पे लूप फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं। लूप फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर चूज करते हैं सी डी ई एफ सी, दोबारा से वही चले जाएंगे सी डी ई एफ सी। ओके, ये क्लोज लूप, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे लाइन, इसको यहाँ से चलाइए। आप ऐसे जा रहे हो, करंट भी आपका ऐसे ही ऐसे डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले क्या है, 1 ओम रेजिस्टेंस, करंट कितना है इसमें, आई माइनस आई वन। तो आई माइनस आई वन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 ओम की रेजिस्टेंस से। ओके, अब देखिए यहाँ जाते हो, सबसे पहले आपने बैटरी किस टर्म पे एंटर किया, नेगेटिव पे। तो क्या लेंगे इस पे, माइनस टू, क्या ले लेंगे यहाँ पे, माइनस टू वोल्ट। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऐसे जाते हुए आप दोबारा से फर्दर देखिए यहाँ पे, अब लूप आपने ऐसे चूज किया ना, लाइक दिस वन, तो अपने ऐसे चूज किया। अब जब ऐसे आओगे इसमें, देखिए करंट आपका इधर आ रहा है और आप उधर मूव कर रहे हो, इट मीन्स ये 2 ओम की जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी प्रोडक्ट करंट के साथ क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू इंटू आई वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए सॉल्व करते हैं, आई माइनस आई वन यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस टू आई वन इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस टू आई वन और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 3i1 प्लस i, यहाँ पे माइनस टू के ले जाइए प्लस टू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसको क्या बना लेंगे हम, इक्वेशन नंबर वन बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आप क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 3i1 प्लस i इक्वल टू टू। अब देखिए ये लूप आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लूप बनाते हैं, लूप नंबर सेकंड पे अप्लाई करते हैं, लूप सेकंड। लूप सेकंड क्या स्टूडेंट्स बताना, मान लीजिए आप यहाँ से शुरू करते हो, एफ ए बी सी एफ, एफ ए बी सी एफ, ये लूप सेकंड आपने ऐसे चूज किया आपने, क्योंकि जो डायरेक्शन करंट के लगभग उसी के अकॉर्डिंग लूप मान लिया आप, इजी रहेगा। तो आप यहाँ से चलते हो, देखिए सबसे पहले जब आप यहाँ से जा रहे हो, करंट कितना है, आई है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे किस बैटरी किस टर्मिनल पे एंटर किया, नेगेटिव पे। तो क्या लेंगे, माइनस फोर, क्या लेंगे सबसे पहले, माइनस फोर। अब देखिए आप जहाँ पे जा रहे हो वैसे करंट भी आपका ऐसे है, तो सबसे पहले 3 ओम की रेजिस्टेंस करंट कितना आई, कितना आ जाएगा 3 इंटू आई। अब आप ऐसे जाते हो, देखो अब ये इधर जा रहे हो, करंट आपकी आपकी लूप भी ऐसे है, करंट भी ऐसे है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आई वन से करेंगे, 2 इंटू आई वन। ओके, इजिकल टू 0। ओके, तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी क्वेश्चन 2i1 प्लस 3i इजिकल टू माइनस 4 को उधर भेज दीजिए प्लस 4। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन आपकी 2 है। अब इनको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर 3 है ना, ओके,
तो हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा इजी है इसको निकालने के लिए, मेरे को अगर करंट निकालना है फ्रेंड्स, और करंट के साथ साथ आई और आई वन सभी की वैल्यूज भी अगर निकालनी है तो बड़ा इजी है। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स, मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्वेश्चन क्या, देखो पहले ये 2i1 प्लस 3i इज इक्वल टू 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन वन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 9i1 प्लस 3i इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट बना, दिस इज प्लस 9 और 2 11i1, ये कितना आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस 2। तो i1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, माइनस 2 अपॉन 11। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 अपॉन I1। अभी I1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जब आप इन इक्वेशंस को सोल्व करते हो, I1 की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से, और आप क्योंकि हमारे पास I1 है और I है तो I1 की वैल्यू तो निकल गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप I निकालते हो तो आपका I यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद आ जाता है 16/11, कितना आ जाता है 16/11 स्टूडेंट्स, ओके। तो I निकल गया, I1 निकल गया, अब निकालना क्या आपको, करंट थ्रू 1 ओम, करंट थ्रू 2 ओम एंड करंट थ्रू 3 ओम स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले मुझे बताइए इस 3 ओम रेजिस्टेंस में, 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 16/11 एम्पियर। इट मीन्स जो करंट है 3 ओम रेजिस्टेंस में वो कितना आया स्टूडेंट्स, 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट आया 16/11 एम्पियर, ओके। अब बताइए इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई वन फ्लो कर रहा है ना, तो करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई वन, आई वन की वैल्यू कितनी है, माइनस 2/11 एम्पियर। अच्छा ओके, 1 ओम में बताइए कितना है करंट थ्रू 1 ओम, दैट इज ऑल्सो इजी, 1 ओम में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई माइनस आई वन, तो इसका मतलब क्या है, आई कितना स्टूडेंट्स, दिस वन आई है, दिस वन, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना आपको, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप आई में से सब्ट्रैक्ट करते हो आई वन, इट मीन्स 16/11 माइनस माइनस 2/11, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 16/11 प्लस 2/11, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 18/11 एम्पियर, कितना आ जाएगा 18/11 एम्पियर। तो स्टूडेंट इस तरह से KVL पे बेस्ड पे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।